हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टार्स। सो आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उनके पास खुद की लाइट होती है जिसे वो एमिट करते हैं। सन भी क्या है, ये एक स्टार है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम द सन, देयरफॉर दीज स्टार्स दे अपीयर लाइक पॉइंट्स टू अस, क्योंकि ये स्टार्स जो है वो बहुत दूर है, मतलब अर्थ के सर्फेस से और सन से बहुत ही ज्यादा दूर है। सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है और बाकी स्टार्स अर्थ से बहुत दूर है, इस वजह से ये स्टार्स हमें छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह स्काई में विजिबल होते हैं। जो सन है इट इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ। फिर जो इसके नेक्स्ट स्टार इसके आता है दैट इज अल्फा सेंचुरी, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट यू कैन सी सो मैनी किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सो इस डिस्टेंस को पढ़ना भी इतना मुश्किल है कि इतना दूर है। सच लार्ज डिस्टेंसेस दीज आर एक्सप्रेस्ड इन सम अदर यूनिट दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। तो कितना डिस्टेंस जो है लाइट वन ईयर में ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। सो स्पीड ऑफ लाइट इट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो इतनी ज्यादा आपकी लाइट की स्पीड है। So the distance of sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. And jo hamara jo Alpha Centauri hai, that is the next star, it has distance of about 4.3 light years. So in fact the stars are present in the sky during the daytime also. However, you can't see them because of the brightness of the sunlight. Din mein bhi aapko aasman mein tare dikh sakte hain, par सन की इतनी ज्यादा लाइट ब्राइट होती है कि आपको बाकी स्टार्स विजिबल नहीं होते। आपके जो ये स्टार्स हैं, दे सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो ये राउंड लेते हैं दैट राउंड दे टेक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो जो आपका स्टार ईस्ट में राइज करेगा इवनिंग में, वो वेस्ट में सेट करेगा ड्यूरिंग मॉर्निंग। देयर इज एक्चुअली अ स्टार दैट इज कॉल्ड द पोल स्टार दैट इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस। तो जैसे कि आप ये पिक्चर से देख सकते हैं, ये अर्थ की एक्सिस है और इसी की डायरेक्शन में यहाँ पे एक स्टार प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोल स्टार। आपने सुना होगा घर पे कहते हो अपने मम्मा पापा को कि देखो ध्रुव तारा, दैट इज द पोल स्टार एंड इट डज नॉट अपीयर टू मूव। तो ये ऐसा लगता है कि ये अपनी ही जगह पे प्रेजेंट है। तो ये आपका यहाँ पे पोल स्टार था। थैंक यू।